हाय एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ मुंबई एयरपोर्ट। तो देख सकते हैं कि जैसे कि आप रास्ते में हैं तो भी रास्ते में हैं और जा रहे हैं हमारे घर। हमारे एक वाले भैया हैं जो कि वैसे झारखंड से हैं लेकिन मुंबई में पूरे 15 साल से रह रहे हैं। तो उनका बोलने का, बात करने का सब चीज़ का स्टाइल एकदम मुंबई वाला हो गया है। अभी आज मेरी फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली के लिए। तो अभी टाइम है थोड़ा फ्लाइट के अंदर, पर क्या है कि मुझे इसमें बोर्डिंग पास वगैरह लेने में टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम से पहले निकलना पड़ता है। देखिए अभी सामने एयरपोर्ट की परेशान नज़र आ गया है। अभी देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ और ये जा रहे हैं अंदर एयरपोर्ट के। अरे यार ये कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं एयरपोर्ट का, बहुत बड़ा लंबा रास्ता है भाई ये तो। चलिए कोई नहीं, अंदर जाते हैं देखते हैं कहाँ से हमें हमारा बोर्डिंग पास मिलेगा, कहाँ से हमारी एंट्री होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो बने रहिएगा साथ मेरे। अभी ये मैं वहाँ से क्रॉस करके ही अंदर आ गया हूँ। तो जैसा देख रहा हूँ मैं, अरे वक्त यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पर हर एक चीज़ दिख रही है। मुझे लग रहा है खाने पीने की, तो यहाँ पर मैं आके खा पी भी सकता हूँ। और अच्छी वहाँ की भीड़ है यार इधर, है ना, जगह अच्छे रेस्टोरेंट बना रखे हैं। अरे वाह, सही अरेंजमेंट है बैठने का भी, है ना। अरे वाह, तो उसका कॉफ़ी भी है बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर आराम से आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपने खा पी सकते हैं। फूड कोर्ट टाइप बनाया हुआ है, सही है, बढ़िया है। अच्छा अभी मुझे ये भेज दिया जाए अभी ऊपर कि ऊपर जाइए आप अगर आपको दिल्ली की फ्लाइट लेनी है। तो बेस्कलेटर से मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो अरे ये तो बड़ा, मैं तो एक चीज़ जो मैंने देखी थी मुंबई एयरपोर्ट की वो नहीं नज़र आ रही है मुझे, पता नहीं कहाँ पर है। अभी देखता हूँ ऊपर, अरे अच्छा हो यहाँ पर है ये। हाँ ये सीलिंग तो बड़ी अमेजिंग दिखती है, जो इसके पिलर्स वगैरह हैं, बड़ी सीलिंग बड़ी खूबसूरत बनाई है मुंबई एयरपोर्ट की। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। अभी मैं अंदर, अभी मैं पूछने के लिए मुझे कहाँ से बोर्डिंग पास लेना है, मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा। तो अभी देखते हैं कहाँ पर जाता हूँ मैं, वैसे तो दिख रखा जाए क्यू में जाने के लिए, क्यू में खड़े हो जाओ। चलिए चलते हैं। अच्छा मैं अभी अंदर आ गया हूँ, अंदर मेन एयरपोर्ट में आ गया हूँ। मैंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है और चेकिंग वगैरह करा लिया है, उसके बाद अगर आने दिया। अरे वाह ये देखिए यहाँ देखा, आई लव मुंबई। तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है ये, मुझे ये बिल्कुल अंदर जाके जहाँ से फ्लाइट का अनाउंसमेंट वगैरह शुरू हो जाता है, मतलब ये मेरे गेट के पास आ गया हूँ फ्लाइट के। तो ये देखिए पूरा एक हज़ार रखा है, स्टॉल्स बना रखे छोटी छोटी, बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। और अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और ये देखिए, अब मैं थोड़ा टाइम पास कर दूँ जैसे अपने घर चढ़ा चढ़ा कर, ये वैसे सब कर नहीं पाता, नहीं कर पाता हूँ। अभी देखिए मैं आ गया हूँ फ्लाइट के अंदर और आके अपने आराम से बैठ गया हूँ। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में।